मैं जिस तरह अगर मैं सोशोलॉजी के हिसाब से देखूं तो वही बात में एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के। अगर हम कम्युनिटी की बात की जाए, लोग हर चीज़ को उस नज़र से नहीं देखते, उस अंदाज से नहीं सोचते कि वो, ये अगर सोचते भी हैं तो अपने मफाद के लिए सोच रहे होते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी सोसाइटी के कोई, अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई काम करते हैं, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हो जाएगा। तो हम जिस वैसे हम जिस जब कम्युनिटी में हम जा रहे होते हैं, तो अगर हम हमारा बेसिकली जब हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे थे, मोबिलाइजेशन कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, तो लोगों को ये क्वेश्चन होगा मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरी जात का क्या फ़ायदा होगा, आपको इसके क्या फ़ायदा होगा, डेफिनेटली हमें क्या फ़ायदा होना है। तो हम तो उन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको अवेयर करने होते हैं आपकी ये राइट्स हैं, ये चीज़ें आप सोसाइटी में ऐसे काम मिल के कर सकते हैं। तो सम टाइम लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, यार हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते, कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। मैं शायद हमें कोई काम, अच्छा काम करने के लिए हमें बहुत से अच्छे खासे रिसोर्सेज चाहिए, हम बहुत बड़ी टीम चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। और सम टाइम स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं, यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास बड़ी मुश्किल से मैं अपनी चीज़ें बुक्स भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं दूसरे स्टूडेंट से कैसे हेल्प करूँ, या कम्युनिटी भी इस तरह की चीज़ें कह रही होती है। लेकिन आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर एक बंदे के पास नॉलेज है वो अपना नॉलेज शेयर करे, एक बंदा जिस तरह का स्कूल वाला है अगर वो अपनी बुक्स एक कर लेता है तो वो दूसरे बच्चों को अपनी बुक्स जो वो दे दे सकता है। तो अगर किसी के पास अच्छा कोई कोई भी स्किल्स है वो दूसरों को सिखा दे, जरूरी नहीं है हर चीज़ में आपका फाइनेंस इन्वॉल्व हो, आपकी आपका बहुत से लोगों का, आप अपना टाइम कहीं ना कहीं आप दे सकते हो, कहीं से आप कोई चीज़ कहीं से भी मौका मिलता है कि कोई किसी को अच्छा सिखाने का मौका मिलता है, आप सिखानी चाहिए। तो हम ये इन चीज़ों से हम अवॉइड कर रहे होते हैं, नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, हर चीज़ को हम फाइनेंस के साथ जोड़ देते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये इसी वजह से हम शायद पीछे जा रहे थे, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे हम कोई सोसाइटी में। दूसरा हम देख लेते हैं कि मुझे फाइनेंशियली क्या बेनिफिट होगा अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगा, या मैं कोई भी इनिशिएटिव लूंगा, या फिर कोई भी काम करूंगा, हर चीज़ में हम फाइनेंस को देख रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ में आपको ज़ाती मुफाद हो, आपने बहुत सी चीज़ें अपनी सोसाइटी की देखनी होती हैं, अपनी कम्युनिटी की देखनी होती है। अगर आपकी कम्युनिटी को जहाँ बेनिफिट हो रहा है तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए, और जितनी आपके आप जो एफर्ट लगा सको आपको एफर्ट लगानी चाहिए।